देख रहे हैं खटपट न्यूज। पहले प्रेमिका से शारीरिक संबंध बनाए और फिर गला दबाकर बेहोश किया और फिर जिंदा ही बोरे में बंद कर प्रेमी मौके से फरार हो गया। इश्क हवस और मर्डर का दिल दहला देने वाला ये किस्सा राजनांदगांव का है, जहां एक शादीशुदा प्रेमिका और शादीशुदा प्रेमी का नाजायज रिश्ते की दास्तां जिस किसी ने भी सुनी दंग रह गया। घटना राजनांदगांव के छुई खदान की है। खैरागर थाना इलाके का रहने वाला दयाराम साहू का लालपुर की रहने वाली रेशमा नाम की महिला के साथ प्रेम प्रसंग था। दोनों शादीशुदा थे। कुछ दिन पहले लोगों ने बोरे से बदबू आने की शिकायत की थी। पुलिस ने जब मौके पर पहुंचकर बोरे को खोला तो उसमें एक महिला का शव मिला। पुलिस बोरे में बंद लाश को लेकर जांच शुरू की तो महिला के साथ प्रेमी दयाराम का नाम सामने आया। पुलिस ने दयाराम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो मोहब्बत की बेहद ही दर्दनाक कहानी सबके सामने आई। दयाराम ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसके और रेशमा के बीच रिश्ते थे। शादीशुदा होने के बावजूद रेशमा शादी का दबाव बना रही थी, इसलिए उसे मौत के घाट उसने उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट खटपट न्यूज राजनांदगांव।